पिछले कुछ दशकों में हमने कई वैक्सीनेशन या टीकाकरण डेवलप किए ताकि रोकथाम योग्य और गंभीर बीमारियों से मनुष्यों और जानवरों दोनों की रक्षा की जा सके। वैक्सीन या टीके से हम इम्यून सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को डेवलप करने की क्षमता का लाभ उठाते हैं। इसका मतलब है कि एक बार जब किसी व्यक्ति या जानवर का बीमारी पैदा करने वाले किसी पर्टिकुलर पैथोजन से सामना होता है तो वो भविष्य में उसी पैथोजन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। हमारे अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिन्हें टी सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये पैथोजन से पहली बार यानी प्राइमरी एक्सपोजर में ही एक्टिव हो जाती हैं। एक बार जब हमारा शरीर पैथोजन से लड़ लेता है तो इन टी और बी लिम्फोसाइट्स की पॉपुलेशन जिन्हें मेमोरी सेल्स भी कहते हैं इंडिविजुअल में रह जाती हैं। ये मेमोरी सेल्स स्टैंड बाय पर रहती हैं और जल्दी से रिएक्ट करने के लिए तैयार होती हैं। अगर सेकेंडरी एक्सपोजर में इंडिविजुअल फिर से उस पर्टिकुलर पैथोजन से कॉन्टेक्ट में आता है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्राइमरी एक्सपोजर के मुकाबले इम्यून सिस्टम को जल्दी और इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड करने में मदद करती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल आमतौर पर बीमारी के बढ़ने से सुरक्षित रहता है। अब जब हम इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के बारे में जानते हैं तो वैक्सीन क्या होंगे? इसका मतलब है कि अर्ली स्टेज पर ही भविष्य में होने वाली बीमारी को रोकने के लिए हम इस मेमोरी इफेक्ट को आर्टिफिशियली जनरेट करते हैं। यानी हम पैथोजेंस, इनएक्टिव पैथोजेंस या पैथोजेंस के कुछ विशेष भागों के एक कमजोर रूप को इंडिविजुअल में इंजेक्ट करते हैं। स्वस्थ इंडिविजुअल्स में ये वैक्सीन कंपोनेंट्स प्राइमरी इन्फेक्शन की नकल करके एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन असली बीमारी पैदा करने के लिए ये काफी कमजोर होते हैं। उदाहरण के लिए वेरिसेला या चिकन पॉक्स वैक्सीन में वेरिसेला जोस्टर वायरस के एक कमजोर वर्जन का इंजेक्शन होता है। स्वस्थ इंडिविजुअल्स में ये कमजोर वायरस चिकन पॉक्स का कारण नहीं बनता, लेकिन ये एक इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट करता है। अब जब वैक्सीन लिया हुआ व्यक्ति फिर से एक चिकन पॉक्स के मरीज के माध्यम से वेरिसेला जोस्टर वायरस के संपर्क में आता है तो वो वायरस के लिए एक रैपिड मेमोरी इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करेगा और उसे चिकन पॉक्स नहीं होगा। इस तरह से इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का लाभ उठाकर वैक्सीनेशन कई बीमारियों को फैलने से रोकता है, जिसमें पोलियो, स्मॉलपॉक्स, वूपिंग कफ, मीजल्स और मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस शामिल हैं। हाल ही के वर्षों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सेफ्टी पर विवाद शुरू हो गया, लेकिन अभी तक सभी विश्वसनीय साइंटिफिक तथ्य इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशंस में बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण के महत्व को सपोर्ट करते हैं। तो ये था वैक्सीनेशन। ये समय से पहले हमारे इम्यून सिस्टम को मेमोरी सेल्स डेवलप करने के लिए ट्रिगर करता है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम पैथोजेंस के शरीर में प्रवेश करने पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है।